तो आखिर आज राजस्थान की सियासत में भरत मिलाप हो ही गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कड़वाहट उस वक्त मिट गई जब कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अपने तो अपने होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में, मैं रंजिता पठाने। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा कि जो हुआ उसे अब भूल जाइए, क्योंकि जितना लोगों ने बोला था वो बहुत कड़वाहट भरा था, अब उसे सबको भूल जाइए, सबको साइड में रख दीजिए। सचिन पायलट से मुलाकात करने के बाद सीएम ने कहा कि जो बातें हुई उन्हें भूल जाओ, हम इन 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते। यहाँ पर भी वो अपनी बात, अपनी एकड़ी बोल सकते थे कि दिखाने से नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम इनके बिना भी बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह खुशी नहीं मिलती, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम खुद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिन विधायकों को कोई समस्या है, जो रूठे हैं, वो मुझसे अकेले में आकर मिल सकते हैं। अब सीएम गहलोत ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, शायद इसमें थोड़ी देर करके उन्होंने, अगर यही दरवाजे पहले खोल दिए जाते तो शायद राजस्थान की सियासत में जो उठक पटक इतनी हुई है वो ना होती। बता दें कि राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र 14 अगस्त से यानी कल से शुरू होने वाला है। उसके एक दिन पहले ही आज यह बैठक हुई। बैठक इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि एक बार तसल्ली हो जाए कि आखिर सब साथ में हैं, सब सामान्य हैं या नहीं। मुलाकात के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दोनों ही मुस्कुरा दिए। ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बच्चे हो जो पुरानी बातों को एक हंसी में बस छुपा जाते हैं, भूल जाते हैं। दोनों मुस्कुराए और फिर साथ आ गए। बैठक सीएम गहलोत के आधिकारिक आवास पर थी, जहां सचिन पायलट पहुंचे थे। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के बागी तेवर के बाद जिस कांग्रेस में तहलका मचा हुआ था, जिस बागी विधायकों के कारण कांग्रेस के गले से पानी तक नहीं उतर रहा था, जो भी बागियों की बुराइयां कर करके न जाने क्या क्या कह रहे थे, वे एक बार फिर सत्ता के लिए साथ आ गए। सचिन पायलट की घर वापसी से गहलोत सरकार पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में आ गई है, लेकिन इस खुशी के बीच भाजपा ने कुछ ऐसा कह दिया है कि अशोक गहलोत की जो खुशी है वो थोड़ी मायूसी में बदल गई, या फिर खुशी थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह घोषणा करते हुए कहा कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। वहीं इसके इतर विधानसभा सत्र के पहले सीएम अशोक गहलोत के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी के से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायक विधानसभा सत्र में भाग ले सकेंगे। राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। यानी इस फैसले से तो अशोक गहलोत की खुशी और बढ़ गई, लेकिन जो भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, क्या कहीं उससे फिर से राजस्थान की सियासत पे संकट के बादल छा जाएंगे? ये तो अब कल ही पता चलेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद क्या नतीजा आता है और क्या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले तक ये नहीं कहा जा रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस में वापस लौट सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। राजनीति में कब क्या हो जाए, किसका पासा पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस की जो राजस्थान में लड़ाई चल रही है, जो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव पर अब जो जंग छिड़ चुकी है, इसका फैसला तभी हो पाएगा जब ये प्रस्ताव पास हो पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।